पति पत्नी और साजिश। हिमाचल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर पत्नी ने पड़ोसी के साथ मिलकर साजिश कर पति की हत्या तो की ही, साथ ही 3 मासूमों से भी जीने का हक छीन लिया। बता दें कि हिमाचल के चंबा जिला के चुराव उपमंडल में पिता सहित 3 बच्चों की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पत्नी ने अपने पड़ोसी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। पुलिस रिमांड में हत्या की आरोपी पत्नी और पड़ोसी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस टीम ने हत्या के लिए इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। बता दें कि बहू व पड़ोसी ने उसके बेटे व बच्चों की साजिश के तहत हत्या करने का बयान करातोड़ निवासी नूरदीन ने पुलिस को दिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने गहनता से मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने जांच करते हुए मृतक की पत्नी और पड़ोसी से पूछताछ की। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस रिमांड में उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। कड़ी पूछताछ में आरोपी नूरा और जमात अली ने जुर्म कबूल कर लिया। बता दें कि पुलिस थाना तीसा के तहत गांव करातोट डाकघर जुंगरा चुरा में 13 सितंबर की आधी रात को करीब 2:30 बजे मोहम्मद रफी के मकान को अचानक आग लग गई थी। देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई। इसमें अंदर सोए परिवार के सदस्य चपेट में आ गए। 4 सदस्यों की आग में जलकर मौत हो गई और एक औरत घायल हुई थी। मृतकों में मोहम्मद रफी, जैतून, जुलेखा और समीर शामिल थे। नूरा पत्नी मोहम्मद रफी घायल हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले में पुलिस को कुछ संदिग्ध लगा। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो महिला ने पति की हत्या की बात कबूली। हिमाचल से जुड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 के साथ।